हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरुआत करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय भाग 3 की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा की थी, मैं आशा करती हूँ आपको वह समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और लोग इसे कैसे परिभाषित करते हैं। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस भाग की और जानते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि उत्पादन करने से या उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने से आय या रोजी प्राप्त होती है, तो रोजी या जीविका प्राप्त करने के अवसर दिलाने वाली प्रणाली को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था करती है और लोगों को आय कमाने के अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि रोजगार देने वाली या उत्पादन करने वाली सभी संस्थाओं जैसे दुकानें, कृषि, फैक्ट्रियां, बैंक, सिनेमा, सरकारी दफ्तर, निजी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि का समूह अर्थव्यवस्था कहलाता है। दोस्तों, प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, उद्देश्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहली अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को बहुत से आधारों पर विभाजित किया जाता है। चलिए कुछ और विभाजन और अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इसी प्रकार से आर्थिक निर्णय के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है, जिसमें से केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पहली अर्थव्यवस्था का प्रकार है और बाजार अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार है। इसके अलावा हम विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का विभाजन करते हैं, जिसमें से विकसित अर्थव्यवस्था पहली अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों, अब हम इन विभाजनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी लोगों का नियंत्रण व स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं और सभी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, उसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या राज्य का अधिकार व नियंत्रण होता है और आर्थिक क्रियाएं लोगों के जीवन को सुखद व अच्छा बनाने के लिए की जाती है। इसका मतलब यहाँ लोगों के कल्याण व अच्छे जीवन स्तर पर जोर दिया जाता है, जैसे सरकार द्वारा नए व मुफ्त अस्पताल खोलना, जिससे लोगों का अच्छा स्वास्थ्य हो सके व उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। इसी प्रकार स्कूलों पर राज्य का नियंत्रण होना
जिससे बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सके और देश के बच्चों व युवक को शिक्षित बनाना साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक कार्य है। चलिए दोस्तों, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह अर्थव्यवस्था किसी का मिश्रण है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ आर्थिक संसाधनों पर सरकार व निजी व्यक्तियों दोनों का ही नियंत्रण होता है। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सुरक्षा आदि पर सरकार का नियंत्रण होता है व अन्य व्यापार उद्योगों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का विकास करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर खुली या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में एक देश का अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होता है, अर्थात एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, यानी अपनी देश की सीमा से बाहर व्यापार संभव होता है। यहाँ आयात व निर्यात संभव होता है और निजी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अक्सर सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था से विपरीत है। यहाँ अन्य देशों के साथ आर्थिक क्रियाओं में भाग नहीं लिया जाता और सारी आर्थिक क्रियाएं देश के अंदर ही होती है। यहाँ पूंजी निर्माण व निवेश की संभावना कम होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था भी एक बंद अर्थव्यवस्था थी। चलिए दोस्तों, अब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादन व उपभोग से संबंधित सभी निर्णय सरकार के द्वारा एक आर्थिक योजना बनाकर उनके अनुसार लिए जाते हैं। इसके विपरीत बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों अर्थात मांग व पूर्ति के संयोजन के द्वारा लिए जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं विकास के आधार पर विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था का निर्धारण। एक अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था जब कहा जाता है, जब उसमें औद्योगिक विकास व अर्थव्यवस्था के संसाधनों का विकास हो चुका हो और वहां अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊंचा होता है और जीडीपी में सेवा क्षेत्र यानी संचार व सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। यहाँ लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है अमेरिका और ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में देश अपने पिछड़ेपन से विकास की ओर प्रयास करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास चल रहा होता है और संसाधनों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता। जीडीपी में उद्योग क्षेत्र व सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे देशों में कृषि क्षेत्र का योगदान घटना शुरू हो जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का स्तर नीचा होता है और लोगों का जीवन स्तर भी नीचा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है भारत और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और हमने इसके प्रकार के बारे में जाना
और एक एक करके सभी प्रकार का विवरण किया। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अर्थशास्त्र की शाखाओं यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे।